हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। गुड़ियारी के पहाड़ी चौक से शुक्रवारी बाजार होते हुए एक्सप्रेसवे तक 4 लेन सड़क प्रदान कर दी गई है। यह सड़क शुक्रवारी से शुरू होकर रेलवे फाटक को जोड़ेगी, जो पूरी तरह 4 लेन होगी। अभी यह सड़क कई जगह बेहद सक्रिय है। लगभग 1.25 किलोमीटर की सड़क के निर्माण के लिए लोनीवी 26.52 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। इसके लिए रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूनत ने सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर पश्चिम क्षेत्र में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने के लिए और बड़ी कोशिशें की जाएंगी। शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क के निर्माण का टेंडर जारी करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली जाए। पीडब्ल्यूडी ने इससे प्रभावित 151 परिवारों की सूची तैयार कर ली है। कौन सा कब्जा कितना टूटेगा, इसका अंतिम आकलन किया जा रहा है। प्रभावित होने वालों को मुआवजा 27 करोड़ के बजट से दिया जाएगा। यहां लगभग 150 से ज्यादा बड़े मकान दुकान तोड़े जाने हैं। एक्सप्रेसवे के बीच 630 मीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी नई सड़क बनेगी। नई सड़क एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जुड़ेगी जो प्लेटफॉर्म से लगा हुआ है। नई सड़क बनने के बाद भारत माता चौक की ओर से स्टेशन आने वालों को तेलघानी नाका ओवरब्रिज से होकर प्लेटफॉर्म पर जाना नहीं पड़ेगा। इस नई सड़क से स्टेशन और एक्सप्रेसवे तक पहुंचने वालों के 15 से 20 मिनट तक बचेंगे। गुड़ियारी और आसपास के एक दर्जन से ज्यादा वार्डों के करीब 3 लाख लोग हर दिन इस सड़क का उपयोग कर सकेंगे। इन सभी लोगों को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। 6 माह में बनकर तैयार हो जाने वाली इस नई सड़क नवरायपुर और एयरपोर्ट से आकर टाटीबंध, रामसागर पारा, फाफाडी, गुड़ियारी और आसपास के इलाके से आने जाने वालों को भी ये सड़क ट्रैफिक के झंझट से बचाएगी। शासन से चौड़ीकरण के लिए 27 करोड़ की मंजूरी मिलने के साथ ही इसका सर्वे शुरू कर दिया गया है। दिवाली के बाद रोड का चौड़ीकरण शुरू हो जाएगा। 6 माह के भीतर काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। चौड़ीकरण से गुड़ियारी और आसपास के इलाके के करीब 13 वार्डों के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग को जाम से राहत मिलेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस